ये देखो हमारे स्टॉल की छोटी तो दीदी आ गई है, तो पीछे पूरा एग्जीबिशन एरिया है हमारा। वर्षा कर रही है अनबॉक्सिंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज अर्षित तो गया स्कूल, थोड़ा लेट हो गई इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, उठने में भी लेट हो गया था। तो गाइस मैं नाश्ते में बड़ा, बट मैंने पास्ता बना दिया, पास्ता लेके गया ठीक है, वो स्कूल गया। और ये रही अपनी दीदी ठीक है। तो गाइस आज एक तारीख है, मतलब 1 सितंबर। तो गाइस आज ना दीदी का एग्जीबिशन है, पहला एग्जीबिशन मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग क्या करेगा, इन पे सब सेटअप कर रहे हैं, किस पे क्या वगैरह वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। तो करके बस गाइस 2 बजे तक वहाँ पहुँचना है, उससे पहले घर के सारे काम वगैरह सब निकले, सब कुछ कर वर के निकलेंगे। पहले आई थिंक मैं जाऊँगी, तो आपको मिलती हूँ चाय वगैरह पीने के बाद। तो गाइस देखो हमने ढंग से बड़ी चंगी तरह से सेटअप कर ली, और ये रहा हमारा बैग जो हमने रख लिया रेडी करके। अरे चाय पी लिए दादी, मैं भी मेरी चाय कहाँ गई, मेरी चाय ये सी। और लीजू कहाँ है, ये तो उधर आई थी। तो गाइस अभी मैं फटाफट चाय पी के नहीं सारे घर का काम समेट के फिर मेरे को यहाँ से निकलना है ठीक है, 2 बजे तक वहाँ पहुँचना है ठीक है। दीदी का फर्स्ट एग्जीबिशन मैं लगा रही हूँ, पता नहीं कैसा होगा, कभी जिंदगी में किया नहीं। अरे दीदी दीदी एक्सपीरियंस दसो कि भैया, हेलो पता नहीं कौन से ख्यालों में डूबी हुई है बंदी। सो है गाइस फाइनली हमारे घर का सारा काम हुआ ख़त्म, मस्त तरीके से घर मतलब मस्त समेट लिया, साफ कर लिया। और अभी खाना पीने का बाकी है, वो दीदी देख लेंगी, कुछ तो पड़ा है फ्रिज में और कुछ का दीदी अपना बना लेंगी। और मेरे को तो गाइस निकलना है, तो मैं फटाफट सब कुछ कर लिया और बस मेरा नहाना बाकी है, मैं नहाऊँगी फिर उसके बाद निकलूँगी। तो गाइस और आज एक और यार मतलब मैं ना हैप्पी हूँ, मतलब रक्षाबंधन का गिफ्ट मुझे मेरा मिल चुका है, अर्शवीर ने ऑर्डर कर रखा था ऑनलाइन, तो वो गिफ्ट मेरा आ चुका है अभी, ये देखो जस्ट आया है। और अभी अनबॉक्सिंग करूँगी मैं, आप लोगों के सामने करूँगी दिखाऊँगी। यार मैं हैप्पी हूँ, अर्शवीर ने मुझे मस्त गिफ्ट किया, आप देखते हैं अंदर क्या है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो गाइस वर्षा कर रही है अनबॉक्सिंग। तो गाइस अर्शवीर ने मुझे गिफ्ट दिया, सी चार्जर। ओ माय गॉड, गाइस देखो यार ये मेरी पसंद की चीज है। सी गाइस देखो मेरे भाई ने गिफ्ट किया है, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही ज्यादा पसंद आया प्रिसिया से मेरे लिए ये। सो गाइस देखो मेरा गिफ्ट मेरे सामने है, ये देखो मुझे गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया गाइस, बहुत ही ज्यादा। अरे यार क्या ही बोलू यार, मुझे इतनी खुशी मुझे आज तक बहुत पसंद आया। एयरपोर्ट से गाइस बहुत मस्त है फायरबोल्ट का, और बहुत ही अच्छा है चीज़ ठीक है, गुड क्वालिटी है, गुड प्रोडक्ट है। और अर्शवीर ने मंगवा के दिया है, और गाइस मैं इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुई हूँ ठीक है। देखो दीदी निकाल रही हैं सी गाइस। तो गाइस मेरे भाई को ना रब हमेशा तंदुरुस्त रखे और पढ़े लिखे मस्त बड़ा आदमी बने यार। तो गाइस मैं फटाफट निकलना है, तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, नहाने जा रही हूँ मैं, और मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया, आई एम सो हैप्पी। गाइस तो फटाफट रेडी होकर तो मैं निकल कर आ गई हूँ, रेडी हुई मतलब नहाते नहाते मुझे थोड़ा टाइम लगा था, नहाई और फटाफट दी ने कुछ खाने को दिया खा के, और मैं बैग वगैरह सब कुछ लेकर निकल चुकी हूँ। और अभी मैं आपको सीधा वहाँ चाह के मिलूँगी, क्योंकि गाइस बाहर इतनी बारिश हो रही थी ना कि मैं शूट ही नहीं कर पाई, इसलिए अभी मेट्रो के अंदर आकर शूट कर रही हूँ। मैं आपको सीधा वहाँ चाह के मिलूँगी ठीक है।
गर्मी से पागल हो रही हूँ, बारिश भी हो और मतलब गर्मी भी एक साथ ही दोनों। सो है गाइस, फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ और आधा से ज़्यादा मैंने काम अपना कर ही लिया। साइड सॉन्ग बहुत ज़्यादा खुज रहा है तो मैं उधर जाकर सूट नहीं कर पा रही, बैक कैमरा करके यहाँ से हल्का सा। से गाइस, वो सामने वाला जो है ना वो स्टॉल हमारा है और दीदी शाम को आएंगी और बाकी सब तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो गाइस मैं आपको मिलती हूँ बाद में दीदी आने के बाद, क्योंकि ना यहाँ बहुत साइड सॉन्ग बज रहा है गाइस। बस ये देखो हमारे स्टॉल की छोटी सी झलक, ये रही। ये हमारे पास वाले आंटी जिनके साथ शेयर में कर रही हूँ। तो गाइस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यार, आई डोंट नो कि मैं अच्छा कर पाऊँगी कि नहीं। दीदी शाम तक आ जाएगी ना तो फिर करूँगी मैं, बस दीदी आते हैं शाम तक, बिकॉज ना मुझे ना अनइजी सा लग रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे ना तो किसी को जानती हूँ ढंग से ना कुछ, इसीलिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है, इसीलिए बस दीदी आ जाए तो फिर बात बन जाएगी मेरी। मैं तो चुपचाप अभी बैठी रहूँगी और बाकी कैसे क्या करना है दीदी के साथ पूरा कॉन्टैक्ट कर लूँगी। सो गाइस फाइनली मैं आपको मिलूँगी बाद में दीदी आने के बाद। गाइस यार मैं तो बोर हो रही हूँ यार, बैठी बैठी मेरे को ना कुछ अजीब सा ही लग रहा है। ये हमारी आंटी जिनके साथ दीदी ने शेयर में किया है, ठीक है, अब इनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है और बाकी मैं घंटा नहीं जानती, किसी को नहीं जानती मैं, बस सबाई छापते थे सब सब आंटी राधे राधे, सब सबके साथ दोस्ती हो जाएगी। हाँ एकदम हो जाएगी, ऑफकोर्स हो जाएगी, सही चल रही है ना। तो गाइस दीदी आ जाए यार फटाफट, फिर तो मैं एकदम मस्त फील करूँगी, बिकॉज मुझे ना अनइजी लग रहा है, बस आ जाए दीदी। तो दीदी आ गई है, ये रही दीदी, दीदी दीदी आ गई है, अश्वीर भी आया साथ में। तो गाइस अभी मेरे को चैन के साथ मिले, अब मैं ओपनली सांस ले पाऊँगी यार, क्योंकि अपने अपने घर का बंदा आ गया। और ये जो मेरी आंटी के साथ दोस्ती हुई वो आंटी अभी बातें कर रहे हैं दोनों, और अश्वीर देखो क्या खा रहा है, आते ही खाने के धंधे में चिकन चाप आई डोंट नो क्या क्या खाता रहता है ये। और ये मेरी बगल वाली आंटी गाइस अभी तो मैं एकदम मस्त फील कर रही हूँ यार, क्योंकि मेरा घर का बंदा आ गया यार, मतलब अभी ऑकवर्ड नहीं लग रहा है। गाइस मैं मिलती हूँ, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, अभी बैक साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। हे गाइस फाइनली यार माइक इनका बंद हुआ, गाने बजाने से बंद करे इन्होंने, मस्त यहाँ पे बातें शाते गाने वाने मस्त चल रहा था, तो शूट भी नहीं कर पा रही थी ना, तो गाइस अभी मस्त गाने वाने इन्होंने बंद कर दिए और अभी गाइस बंद करने का टाइम आ गया, मतलब सामान उठा रहे हैं अभी सारे जने, आपको दिखाती हूँ। गाइस देखो यहाँ पे, ये देखो अर्शवीर अपना कुछ लेने के धंधे में घूम रहा है, कैसी लगी चीज़ें आपने बताना है, ठीक है। और गाइस मैं ना बताए कल ना नेल एक्सटेंशन करवा रही हूँ ये वाली आंटी से, नेल एक्सटेंशन करवा रही हूँ, और ये हमारा स्टॉल है जो अभी हम उठा दे रहे हैं। आपको मिलती हूँ सारा कुछ समेट के यहाँ से बाहर निकल के। हाय गाइस फाइनली हम वहाँ से निकल चुके हैं, वो पीछे पूरा एग्जीबिशन एरिया है हमारा, ठीक है। और ये मुझे बहुत एंजॉय किया हमने, तो गाइस हमने बहुत एंजॉय किया। तो गाइस पहले पर ना मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, बट अब नहीं लग रहा, अब मैं सारी मतलब मेरे साइड वाली दोनों आंटियों के साथ मेरी मस्त दोस्ती हो गई थी ना मेरी, इसीलिए अब इतना ज़्यादा नहीं है। और अभी तो मेरा भी मन लगने लग गया था शाम को दीदी आने के बाद, क्योंकि दीदी ने आया सबसे मीट करवाया, तब जाके मैं थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड फील जो मैं कर रही थी ना वो नहीं किया मैंने। तो ये गाइस देख सकते हो पूरा ये एरिया है एग्जीबिशन एरिया आलमपुर, और गाइस कल भी आना और परसों भी है, तो इसीलिए अब यहाँ सीधा गाइस हम नानी घर जा रहे हैं, हम नानी घर पे जाके मैं आपको मिलूँगी सीधा। चलो नानी घर आ गए हम, अरे बुआ जी, बुआ जी नानी, अरे रही दीदी। गाइस आज मेरा एग्जीबिशन था, पहला दिन था, अच्छा था। कोई नहीं दादी ब्लॉगिंग अनाज बुआ जी है मेरी, और देखो हर सुविधा आते ही लग गया मोबाइल में तेरा की है। और गाइस देखो आंटी जी, आंटी सत श्री अकाल, राजू जी सत श्री अकाल,
किवें हो? ठीक हो? गए? नहीं अजय नहीं गए है गए। तो गाइस अब थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं फिर मैं आपको मिलती हूँ। गाइस फाइनल मैं फ्रेश वगैरह हुई, अभी थोड़ा सा मस्त मतलब एसी चलाया, देखो एसी में मस्त अभी थोड़ा सा फील कर रही हूँ मैं, मतलब थोड़ा रेस्ट लिया, मुँह हाथ धोया, थोड़ा रेस्ट हुआ। तो गाइस मेरे को इतना ज़ोर से भूख लगाना यार, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। गाइस हमारे होटल से हमने खाना मंगवा लिया था, चिकन मंगवाया है और चावल नानी ने घर पे बना लिए, और बाकी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवाया तो फ्रिज में पड़ा है। और मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने, आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेरा खाना ये है। तो गाइस ये इसमें मतलब खाना इस तरह इसीलिए खा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सबकी अमृत सका हुआ है ना, सबका पापा जी का नाम लिया होता है, इसीलिए मैं चिकन खा रही हूँ, इसलिए अलग प्लेट अलग सब कुछ, और नीचे बैठ के खाना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर चिकन विकन खाना है तो नीचे बैठ के खाओ, टेबल पे कोई नहीं बैठने देगा। और अभी मैं चिकन खा लूँगी तो मुझे किचन में भी नानी इंटर नहीं करने देगी। तो मैं तो खाना पीना खा के आपको मिलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से लगी, मेरे पेट के अंदर चूहे नाच रहे हैं। सो गाइस मैंने तो खाना खा लिया यार, खाना खा के मज़ा आ गया पेट भर के, चिकन चावल खाइए मैंने। और ये रही दीदी, दीदी भी खाना खा ली। दीदी दीदी किवें हो फिर? ठीक हो? बढ़िया। मम्मी के हाथ का खाना खा के मज़ा आ रहा है? गाइस मम्मी के हाथ का खाना खा रही है दीदी, जीरा राइस और दाल चावल और पता नहीं क्या क्या। गाइस फाइनली हमारा खाना पीना तो हो गया कंप्लीट, दीदी का भी हो गया। और गाइस ऐसे मैं दीदी को मतलब ऐसे बैठी थी ना, बैठी बैठी गाइस मेरी आँख लग गई थी, फिर मैं अचानक से नींद खुला के मैं सोची कि यार मैं तो वीडियो एंड ही नहीं किया मैंने, तो फिर अभी मैं वीडियो एंड करने जा रही हूँ। और गाइस मेरे को ना कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था तो मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, और ये आइसक्रीम जो मेरा बहुत फेवरेट है ये, तो वैसे मैं भी खाऊँगी और जाकर सो जाऊँगी। दीदी उन लोगों की बातें साथे चल रही, नानी जी के साथ बातें साथे कर रहे हैं, मतलब ऐसे लाइट वगैरह बंद है रूम का, लेटे हुए और बातें साथे कर रहे हैं। तो जा रही हूँ गाइस मैं सोने से पहले मैं आइसक्रीम खाऊँगी और फिर जाकर सोऊँगी। तो गाइस आई होप आज की वीडियो गाइस आपको पसंद आएगा, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और ताकि मेरी आने वाले ब्लॉग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट। एक दोस्त था जो भाई से भी ज्यादा मेरे क्लोज था, हम सुटे वो के 7 साल दारू मटन रोज का, जब कम पड़े पैसे तो हम बांट लेते थे।